हम है टीम महंतम गुजरात से। क्या कहानी है आपकी? कॉलेज के बाहर एक टिस्टॉल होती है, वहाँ पे मैं रोज चाय पीता था। हम सब पीते थे कॉलेज के बाहर। हमने बनाया है टी ग्लास वॉशिंग मशीन, जो कि 15 ग्लास वॉश कर सकता है सिर्फ 30 सेकंड में। आपकी कहानी देख के अभी हर गांव में बच्चा बोलेगा मुझे भी आविष्कार करना है, एक बड़ा धंधा बनाना है। ऐसा गांव ही है, तो हम जब वहाँ पे पढ़ाई करते थे, पहले हम गांव में पढ़े लिखे। वो अवेयरनेस की है, जो पेपर कप में चाय पी रहा है उसको मालूम नहीं है कि मैं नुकसान कर रहा हूँ एनवायरमेंट को भी और अपने आप को भी, हेल्थ को भी। जो पेपर कप में दे रहा है तो वो कैलकुलेशन नहीं लगा रहे हैं पैसों के हिसाब से कि मैं ईयरली कितना बर्न कर रहा हूँ पैसा। जो शार्क टैंक में मशीन हमने प्रेजेंट किया है उससे भी बेटर और अच्छा कैसे मशीन डिलीवर करें हम, तो उसकी हम R&D पे लगे थे। एक्चुअली सही में जो एपिसोड शूट होता है, मतलब जो एपिसोड एक्चुअली में जब हम शार्क के सामने पिच करते हैं, तो वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चला जाता है और जो शूटिंग आता है तो वो तो मतलब जयेश भाई एंड धवल भाई, वेलकम टू बैंटर विद चेतन। बैंटर विद चेतन में हम आपका स्वागत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बारे में। मुझे जानना है कि आप कौन से, आपके गांव के बारे में कुछ बताइए, कहाँ पे आता है आपका गांव, ये सारी चीजों के बारे में। गांव एक छोटा सा गाँव ही है, तो हम जब वहाँ पे पढ़ाई करते थे, पहले हम गाँव में पढ़े लिखे, उसके बाद पालमपुर तक ही गए थे। तो धवल ने भी वो पालमपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद जब उसको वहाँ से एक BM पटेल सर, जो धवल के टीचर थे और अभी तो हमारे मेंटर भी है, तो उन्होंने धवल को इतना गाइड किया और हमको भी और मुझको भी इतना गाइड किया कि आज जो भी हम जिस लेवल पे है, तो वो एक तो BM पटेल सर की वजह से है और दूसरा कि हमारे यहाँ BAPA स्वामीनारायण संस्था, जिनके संत अभी जो हमारे गुरु है परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, और हमारे विस्तार में जो उत्तम प्रिय स्वामी और नित्य सेवादास स्वामी विचरण करते हैं, उन्होंने हमको बहुत गाइड किया। तो जयेश भाई, जब हम बात करते हैं शार्क टैंक इंडिया के बारे में, तो धवल भाई और आपका एक्सपीरियंस तो हमने देखा टीवी के ऊपर, आपको सारे शार्क्स ने डील दी, बट जो एपिसोड होता है वो 15 मिनट का होता है, बट एक्चुअल में आपका जो पिच था वहां पे वो कितने टाइम तक चला था? और हमें कुछ ऐसी बातें जाननी है कि जो बातें टीवी पर नहीं दिखाई गई बट जो आपकी और शार्क्स के बीच में हुई थी। एक्चुअली सही में जो एपिसोड शूट होता है, मतलब जो एपिसोड एक्चुअली में जब हम शार्क के सामने पिच करते हैं, तो वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चला जाता है और जो शूटिंग आता है तो वो तो मतलब 15-20 मिनट का ही होता है। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे और शार्क के बीच में बात हुई, लेकिन एपिसोड में वो नहीं आई है। तो पहले तो यही कि हम जब शार्क टैंक में गए तो अनुपम मित्तल बहुत खुश हुए थे हमसे कि उनको मतलब वो मिला कि नहीं, मेरी थोड़ी सी मदद से जो ये लोग थे तो वहाँ यहाँ तक आप आ सकें। तो उनको उन्होंने मतलब बहुत वो जाहिर किया था कि नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड दूसरा मेन पॉइंट जो हमारा विज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा विज़न क्या है और क्यों हमने टी ग्लास वॉशिंग मशीन बनाया। क्योंकि हम कहते हैं कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं, हमारी कंपनी का विज़न ही यही है कि हम एंटरप्रेन्योर नहीं, हम इकोप्रेन्योर है, ठीक है। तो टी ग्लास वॉशिंग मशीन का क्या लेना देना कि वो एनवायरमेंट के लिए मतलब काम करता है, तो वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने प्रॉब्लम देखा कि कोरोना के बाद जो पेपर कप है वो ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। अभी पेपर कप ज्यादा यूज हो रहे क्यों हो रहे हैं? हाइजीन के नाम पे कि वो बहुत हाइजीन है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सस्ते हैं। पेपर कप के पहले प्लास्टिक के कप आते थे तो वो बैन कर दिए गवर्नमेंट ने कि वो नुकसानकारक है, एनवायरमेंट को नुकसान करते हैं, हेल्थ को नुकसान करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो उसका ऑप्शन पेपर कप निकल के आया है, तो हमने स्टडी में ये पाया है कि वो उससे भी ज्यादा कई गुना ज्यादा नुकसानकारक है। किस तरह से कि पेपर कप में पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, जो पहले प्लास्टिक के कप आते हैं उससे बहुत पतला प्लास्टिक यूज होता है पेपर कप में, जो अंदर की लेयर होती है जिससे पेपर पिघले ना। वो जब हम चाय पीते हैं तो पेट में प्लास्टिक जाता है 25,000 माइक्रोप्लास्टिक, जो कि कैंसर लॉन्ग टाइम में कर सकता है, ऐसी बीमारी हो सकती है, वो IIT खड़गपुर की रिसर्च है, ठीक है। तो हेल्थ का इश्यू हो गया इसमें
एनवायरमेंट का इश्यू हो गया, क्योंकि जब पेपर कप एक बार वो क्या बोलते हैं, पेपर कप सिर्फ वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट है, वो एक बार यूज हुआ यूज एंड थ्रू, अभी इसका कोई काम नहीं। पेपर कप ना तो रीयूजेबल है ना रिसाइकलेबल है, ठीक है। तो अभी वो जस्ट एक बार यूज होने के बाद उसका काम यही है कि उसको एनवायरमेंट को बस नुकसान करना है, बस वो उसका दूसरा काम है, ठीक है। तो पेपर कप एनवायरमेंट को नुकसान करता है, ठीक है, हेल्थ को नुकसान करता है। जो जो टी सेलर है, जो टी स्टॉल लेके बैठा है, तो उन उसका दिन का मिनिमम खर्चा 200 रुपया है पेपर कप के पीछे, महीने का हो गया 6000, जो कि मतलब बहुत ज्यादा खर्चा है। अगर हम 12 महीने का खर्चा लगा ले तो मतलब उनके उनकी जितनी इनकम है तो उसमें से बहुत सा हिस्सा है वो जो उनका पैसा वेस्ट हो रहा है इसी में। उस जगह पे अगर वो सिंपल रीयूजेबल ग्लास या कप यूज करे तो उसका खर्चा बच जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर नुकसान इस तीन नुकसान से भी ज्यादा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पेपर कप में पेपर और प्लास्टिक दोनों यूज होते हैं, तो उसमें एक साल में एक टी स्टॉल वाला 118 पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार है। अभी अभी आप नुकसान की गिनती लगा लो, इसका कोई मतलब आंकड़ा नहीं बिठा सकते हम कि ये कितना नुकसान कारक है। बस इस प्रॉब्लम को देखा और किस तरह के सॉल्यूशन होगा इसका, तो हमने देखा इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। क्या सिंपल सॉल्यूशन है? जो टी सेलर है उनको भी खर्चा तो आ रहा है, उनको भी अपना खर्चा बचाना है, ठीक है। एनवायरमेंट को प्रॉब्लम है, कस्टमर को भी पेपर कप में पीने में मजा नहीं आता, ठीक है, लेकिन हाइजीन के नाम पे पी रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों रीयूजेबल ग्लास या कप क्यों नहीं यूज हो रहे? हमने देखा है टी सेलर को, जो टी स्टॉल वाला है, उनको वॉशिंग करने की झंझट से निकलना है, उनको खर्चा नहीं देना है, मतलब एक लड़की की जो वॉश करने के लिए झंझट नहीं रखनी है, ठीक है। हाइजीन का कस्टमर को प्रॉब्लम है कि वो एक टब में पड़े हैं सारे और कितने मतलब खराब तरीके से वॉश होते हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन टी ग्लास वॉशिंग मशीन, तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए, एनवायरमेंट के लिए, जो टी स्टॉल वाला है उसके लिए, कस्टमर के लिए, सबके लिए। तो इस तरह से हमने एनवायरमेंट को सपोर्ट किया है टी ग्लास वॉशिंग मशीन से। तो मुझे आप दोनों से एक सवाल पूछना है कि जब आप शार्क टैंक में गए तो अनुपम सर को ये पता नहीं था पहले कि आप इस शो में आने वाले हो? हाँ। या फिर उनको वही जाने के बाद पता चला कि अरे ये तो मतलब मैंने जिन लोगों को ग्रांट दी है वो लोग आज यहाँ पे आए, या पहले उनको पता था कि अरे आने वाले हो आप? ऐसा नहीं, ऐसा मालूम नहीं था, क्योंकि हम जैसे ही एंटर हुए तभी उन्होंने पहचाना, और हमको भी मतलब थोड़ी वो लगा कि शायद अनुपम सर इतने लोगों से मिलते तो पहचाने ना पहचाने, लेकिन जैसे ही एंटर हुए वो बहुत खुश हो गए और बहुत उन्होंने पहचान लिया हमें नाम के साथ। राइट। और मुझे ये चीज जाननी है कि जब आपने ड्रीम डील के साथ कोलैब किया था, लाइक उनसे आपको ग्रांट मिली थी, तब आपका कॉन्टेक्ट अनुपम सर से हुआ था या फिर उनकी टीम ने ही आपके साथ डील किया था? हाँ, पहले उनकी टीम ने हमारे साथ बात की थी और उस टीम से हमको जो हमारा रील्स था वो टीम ने सिलेक्ट भी किया था, और उसके बाद टीम में से किसी ने हमको मैसेज भी किया था। उसके बाद एक दिन फिक्स किया गया था जब अनुपम सर से हमको लाइव गूगल मीट पे मीटिंग हुई, तब हमारी गूगल मीट पे मीटिंग भी हुई थी, और उसके बाद जब हम फाइनल हमारा सिलेक्शन हो गया तब अनुपम सर ने हमको मुंबई भी बुलाया था, और उनके साथ वहां भी हमको 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग हमारी चली थी उनकी ऑफिस में। ओके। अब आते हैं थोड़ा शार्क टैंक के ऊपर, तो मुझे ये चीज जाननी है कि जब शार्क टैंक का शो रिलीज हुआ कितने कॉल आए आप दोनों को कि अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन? ऐसे कॉल की तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि इतने सारे कॉल आए ना कि मेरा फोन भी हैंग हो गया था, फोन भी काम नहीं दे रहा। अभी भी इतने सारे कॉल है कि स्क्रॉल करता हूँ नीचे तो वो जो तारीख थी ना वो तारीख आने में कैसे 10 से 20 बार ऐसे करना पड़ता है, इतने सारे कॉल की जितने मेरे को एक ईयर में भी नहीं आए थे। और मतलब क्या उस टाइम में पूरा जब कॉल के आंसर करते करते हमारा खाने का सोने का सारा टाइम टेबल चेंज हो गया था लेकिन हमने सब कॉल अटेंड किया और सबको रिप्लाई किया। मैंने भी आपको इंस्टाग्राम पे जब मैसेज किया तो आप लोगों का मुझे रिप्लाई आया, और आपने मतलब कमेंट भी किया था इंस्टाग्राम पे जब वो रील हमने डाली थी, तो आप लोगों ने सारे लोगों को ऐसा रिप्लाई किया होगा, तो आपने सारे लोगों का आपने डील भी जीत लिया और आपने दिल भी जीत लिया। शार्क टैंक में जो इन्वेस्टर थे तो उनको तो मशीन पसंद आया ही कि सब पांचों पांच शार्क जुड़ गए, लेकिन कस्टमर के जब कॉल आए हमें
तब हमें मेन फील हुआ कि नहीं, हमारी प्रोडक्ट में दम है, एक अहम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्योंकि कस्टमर भी बहुत खुश थे कि नहीं हाँ, आपने जो मतलब इंस्टाग्राम की कमेंट आपका चेक कर लो हमारे वीडियो की या यूट्यूब की, तो सारे ऐसी कमेंट है मोस्ट ऑफ की हाँ आपने बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है पॉइंट ऑफ व्यू जो टी सेलर है उनके भी, और जो चाय पीने वाले है उनको भी, क्योंकि उन्होंने भी ये देखा हुआ है कि ग्लास किस तरह से वॉश होते हैं। जो आपकी आपकी जब डील हुई थी उसके बीच में और शो टेलीकास्ट होने के बीच में 2-3 महीने हो गए अभी, तो आपने तभी से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसे मशीन बनाने के लिए टाइम बहुत लगता है, तो शार्क्स की मदद से आपने ये कर लिया था सारी चीजें? नहीं, तब वो शूटिंग के बाद और अब रिलीज होने के बीच में जो टाइम था वहां पे हम प्रोडक्शन नहीं, लेकिन जो शार्क टैंक में मशीन हमने प्रेजेंट किया है उससे भी बेटर और अच्छा कैसे मशीन डिलीवर करें हम, तो उसकी हम R&D पे लगे थे। क्योंकि जो शार्क टैंक में मशीन है और अभी हम जो मशीन दे रहे हैं कस्टमर को, वो मतलब उससे 100 गुना अच्छा हमने मशीन डेवलप कर दिया है। शार्क्स के साथ डील होने के बाद 5 शार्क्स आपको मिले, बहुत कम ऐसी कंपनीज आई थी शार्क टैंक में जिनको 5-6 शार्क्स के साथ उन्होंने डील की। एक स्नीच नाम की एक कंपनी थी, कपड़ों का जो ब्रांड था, और एक आपका ब्रांड, तो कैसा बेनिफिट होता है शार्क की मदद से आपको? आप जब उनके साथ कोलैबोरेशन करते हो, डील होती है, तो बातें क्या होती है आपके बीच में? हाँ, अभी तो तब जब हम वहाँ पे सब प्रेजेंट करते हैं और तब जब हमारी डील होती है तब तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में और बिजनेस के बारे में डील होती है। और अभी हमारा वो शार्क के साथ कॉन्टेक्ट और जब कुछ सब बाकी है तो उसका तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत आगे ले जाते हैं। जैसे अमन गुप्ता सर ने बोला था कि अनुपम सर की वजह से आप यहाँ से यहाँ आए हो, तो हमारी वजह से कहाँ जा ले जाओगे। सही बात है। हाँ, तो वो साक्ष सब 5 साक्ष बहुत ही सपोर्ट हेल्पफुल और बहुत सपोर्ट करते हैं। और जयेश भाई, आपने भी डिप्लोमा किया है धवल भाई की तरह? नहीं नहीं, मैं बीकॉम हूँ, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मेरी LLB की स्टडी चालू है अभी। ओके, आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हो, मतलब बीकॉम के बाद आप पढ़ाई भी कर रहे हो अभी, और आप मतलब बिजनेस भी संभालते हो अभी धवल भाई के साथ मिलके? हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और बिजनेस भी संभालते हैं। अरे बाप रे, मतलब धवल भाई भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बिजनेस भी संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डिप्लोमा और मतलब अभी मेरा BE चालू है। अरे BE का, और कौन से स्ट्रीम में कर रहे हो अभी? मैकेनिकल में। ओके, तो ये आपको इजी भी गई होगी चीजें सारी की, मैकेनिकल प्रोडक्ट ही आपने डेवलप किया है। हाँ, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इसीलिए, मेरे को कई सालों से क्लियर था कि मुझे क्या करना है कैसे करना है। तो अभी क्या इसके बाद, जैसे कि एक मतलब टी के लिए आपने बनाया है, ग्लास वॉशर आपने बनाया है, तो डिश वॉशर होता है कि मतलब ऐसा एक प्रोडक्ट है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स है बट उनकी कीमत थोड़ी हायर एंड पे है, तो आपका कुछ ऐसा फोकस है कि आप डिश वॉशर, प्लेट वॉशर, मतलब जो हम घर में जो हमारे बर्तन होते हैं वो क्लीन करने के लिए हमें रखता है, तो उस एरिया में आप जाने का सोच रहे हो या अभी सिर्फ और सिर्फ टी के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? नहीं, जैसे कि हमने शार्क टैंक में बोला था कि वैसे ये मशीन है पूरे बेवरेज इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है, लेकिन हम वॉशिंग इंडस्ट्री में या टी इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाना चाहते और हमारा ये मोटिव ही नहीं है, हमारा ये एम ही नहीं है। हमारा जैसे कि हमने बोला कि हम इकोप्रेन्योर है, हमको एनवायरमेंट के लिए ही अपनी कंपनी को काम पे लगाना है, तो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे वो हम पेपर कप को किस तरह का उसका कुछ ऑप्शन लाए, तो वो हमने किया है। लेकिन हमको मार्केट से कई सारी मतलब वो रिक्वायरमेंट आई है कि आप इसके लिए भी बनाओ, आप बड़े ग्लास के लिए, तो हाँ छोटे ग्लास के लिए बनाया है तो बड़े ग्लास के लिए भी बनाएंगे, बिना हैंडल वाले ग्लास के लिए बनाया है तो हैंडल वाले ग्लास के लिए भी बनाएंगे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। और ऑलरेडी R&D चालू है, ऑलरेडी हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम वॉशिंग इंडस्ट्री में जाए या कोई टी इंडस्ट्री को फोकस करें। हमारा मोटिव जस्ट ये है कि हम इको फ्रेंडली सॉल्यूशन मार्केट को प्रोवाइड करे जो एनवायरमेंट को सपोर्ट करते। MBA चाय वाला जो है तो उनके साथ भी आपकी मुलाकात हुई थी, तो वो कैसे हुई थी, उस मुलाकात के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, MBA चाय वाला के साथ जो प्रफुल भाई है तो उनके साथ भी मुलाकात हुई है मेरी। वो वैसे तो अनफॉर्चुनेटली कह सकते कोइंसिडेंसली हो गया था
कि वो अपनी आउटलेट पे अहमदाबाद थे और मुझे भी तब दिमाग में कुछ आइडिया आया कि चलो जाके देखते हैं कि वहां पे क्या माहौल है, पेपर कप का किस तरह से वो यूज करते हैं। तो जाके जस्ट मैंने चाय लेके बैठा था और अचानक बस मेरे को दिखे तो जाके पहुंच गया उनके पास। मतलब वो कोइंसिडेंस था आपका कि आप गए वहां पे और दोनों चाय का बिजनेस करने वाले लोग मिल गए। हाँ, इसमें दो 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 चीज हुई थी। वैसे मैं मिलने को उनको चाह रहा था, बहुत मैंने प्रयत्न किए थे, मतलब बहुत कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन मैं मिल नहीं पाया था। लेकिन तब जो मैं मिला तो वो कोइंसिडेंस ही में मिला था। तो मुलाकात में क्या बातें हुई थी, लाइक आपने उनको बताया था आपके मशीन के बारे में और उनका कुछ आपको इनपुट्स मिले थे मिले प्रफुल्ल भाई से? हाँ, मैंने उनको बताया और मैंने उनको वीडियो ये सब दिखाया कि देखो इस तरह का मशीन है और मेरा फोकस जो है मेरा ये है। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट भी किया था और एक वीडियो भी मेरे साथ बनाई थी कि नहीं चलो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। तो सही में वो भी हेल्पफुल है, मेरे को बोला कि नहीं ये जो मोटिव है वो ठीक ही है, क्योंकि मैंने उनको भी यही समझाया कि पेपर कप का आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो हाँ, वो हेल्पफुल। तो अभी हम हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं धवल भाई और जयेश भाई, तो आपको क्या चीज कहनी है लाइक अबाउट महंतम, अबाउट जो चाय वाले सेलर है, टी सेलर है, उन सब के लिए? कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस की है। जो पेपर कप में चाय पी रहा है उसको मालूम नहीं है कि मैं नुकसान कर रहा हूँ एनवायरमेंट को भी और अपने आप को भी, हेल्थ को भी। जो पेपर कप में दे रहा है तो वो कैलकुलेशन नहीं लगा रहे हैं पैसों के हिसाब से कि मैं ईयरली कितना बर्न कर रहा हूँ पैसा। इस जो ग्लास आता है वो 5 से 6 रुपए का आता है। अगर आप 1000 ग्लास लो तो आपको 4 रुपए में मिल जाएगा, उसको आपको 1 साल यूज करना, 1 साल कर सकते हो, ठीक है? तो आप गिनती लगा लो कि कितना आपका कॉस्ट कहाँ पे मतलब जा रहा है। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस की है। तो ये हमारी भी रिक्वेस्ट है कि टी स्टॉल वाला एक समझे कि अच्छा मतलब मेरा खर्चा कहाँ पे जा रहा है। जो चाय पी रहे हैं और जहाँ पे चाय पी रहे हैं उनको ये जरूर सजेस्ट करें मशीन कि देखो भाई हम भी हाइजीनिक चाहते हैं तो इसमें हमारा भी फायदा है, आप भी मशीन यूज करो, आपका भी इतना खर्चा बच जाएगा। तो ये सजेस्ट आप सब जहाँ पे चाय पीते हैं वहाँ पे जरूर करें। और सर ये बताना चाह रहा था कि जो भी जो लोग चाय के बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे इंडिया में ऐसे पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली कोई चीज हो तो वो चाय ही है, तो वो चाय। लेकिन वो चाय अगर वो पेपर कप में पी रहे हैं ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा। चाहे एक चाय वाला कितना भी उस पे मेहनत कर ले, कितनी भी अच्छी चाय बना दे, लेकिन जो टेस्ट उसको देना है ना वो पेपर कप में नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर वो चाय जाते ही उसमें वो प्लास्टिक का अंदर घुल मिल जाता है जिसे टेस्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर वही चाय अगर वो कांच के गिलास में पी रहा है ना तो उसका टेस्ट एकदम अलग आएगा। सही बात है, सही बात है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी को खरीदना है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें? अगर हमारा मशीन कोई खरीदना चाह रहा है तो अभी हमारी वेबसाइट है mahantam.co.in करके, और मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है। अगर किसी को मशीन परचेज करना है तो वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 8469434111। तो धवल भाई एंड जयेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल पे आके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे यूजर्स को, यूथ को मोटिवेट करने के लिए, और उसके साथ ही आपको ऑल द बेस्ट आने वाले फ्यूचर के लिए। सबको पता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो चीजों का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस।